नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की पांच बड़ी खबरें। बंगाल में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत। बंगाली कवि के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। कानपुर में तिमंजिला घर पर डकैतों का दावा, गोली मार लाखों लुटे। उत्तर प्रदेश में घर में सो रही युवती पर तेजाब से हमला। दिल्ली में खालिस्तानी उग्रवादी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग और बरहीपुर इलाके में बीते सोमवार को कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग बीमार हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के प्रख्यात कवि सुजोतो बंदोपाध्याय द्वारा सोशल मीडिया पर 12 पंक्ति की एक कविता पोस्ट करने के बाद हिंदू धर्म की भावना आहत करने को लेकर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। बांग्ला भाषा के कवि सुजोतो ने अपने खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज होने पर हैरानी जताते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि भारत बढ़ रही असहिष्णुता की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर के बिल्लौर में सोमवार रात आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने 3 मंजिला इमारत में दावा बोला और जमकर लूटपाट की। इसका विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी और माल लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू करते हुए डकैतों की तलाशी में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के थाना कोतवाली के कैला बट्टा में घर में सो रही युवती पर सोमवार की आधी रात अज्ञात युवक ने तेजाब फेंक दिया। बुरी तरह झुलसी युवती को दिल्ली के सफदर जंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक खालिस्तानी उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उग्रवाद, हत्या, डकैती और लूट के 75 से अधिक मामले दर्ज है।